अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नाजली, आपकी व्यूअर्स आपके साथ। आज बनाएंगे हम रोस्ट। तो आज हम रोस्ट बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, चलें अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल लाइट नहीं थी तो मुझे ये बनाना था, तो मैंने पहले से इसकी मैरिनेशन करके रखा हुआ है। मैंने लिए चार राने हैं और तकरीबन जो है आधा किलो है बोनलेस। अच्छा, इसके अंदर मेरी मैरिनेशन ये थी कि तकरीबन ये मेरा गोश्त हो गया एक किलो में मेरे चार चमचे ये था चिली सॉस, ठीक है, और छः चम्मच मेरे ये थे सोया सॉस के। एक किलो में छः से सात चम्मच आप डाल सकते हैं, बड़े वाले भर के, ठीक है, चम्मच राइस खाने वाले चम्मच, ठीक है, टेबल स्पून ही थोड़ा बड़े वाले, ठीक है। तो ये सोया सॉस थी और इसमें मैंने डाला है विनेगर, मतलब सिरका, सादा सिरका, वो मैंने डाला है इसके अंदर हाफ़ कप, ठीक है, हाफ़ कप सिरका डाला। और काली मिर्च मैंने इसमें डाली है तकरीबन जो है दो चमचे काली मिर्च डाली और डाल के मैंने इसकी मैरिनेशन कर ली है, ठीक है। इसको मुझे हो गए तकरीबन 2 से 3 घंटे रखे हुए। रखने के लिए तो ये 10 मिनट भी रख लेते तो हो जाता है, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा देर रखा, ठीक है, 2 घंटे आप इसको लगा के ये रख दें। अच्छा, फिर ये जो आप फ्राइंग के लिए आप इसको उठाएंगे, ठीक है, देखिए रान ली थी मैंने, इस तरह से थी ना रान, तो उसको ये वाला पार्ट यूँ कटिंग करके तो उसको थोड़ा सा मैंने फैला दिया इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मैदे में पोर करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से मैदे में पोर कर लेंगे। अच्छा, मैदे में पोर करने के बाद हम इसको लेके जाएंगे अंडा फेंट लें और फेंट के अंडे में इसको पोर करें, ठीक है। ये अंडे में पोर किया, उसके बाद देन मैं फिर इसको इसमें डालूँगी, ठीक है। ये डालने के बाद मैं इसको, ये हो गया, ठीक है, अब मैं इसको फ्राइंग के लिए डालूँगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारे बोनलेस हैं ये भी हमने इसी तरह मैदे में पोर कर लिए और उसके बाद हमने इनको अंडे में डाल दिया। अच्छा, अंडे से निकालने के बाद फिर से हमने इसको मैदे में पोर किया और फिर हम इनको भी फ्राइंग के लिए डाल देंगे। अच्छा जी, ये फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं, ये हो गए हमारे रोस्ट फ्राई। तो ये देखें आप, ठीक है, ये हमारे इस तरह से हो गया, देखें आप, ठीक है। ये शाम की चाय के लिए मैंने बनाया है बच्चों के लिए। आप इसे बना के तो आप बर्गर के साथ या चपाती के साथ या शाम की चाय के साथ आप खा सकते हैं, ये देखें आप, ठीक है। अब मैं इसको आपको बाइट लेकर तो नहीं दिखा सकती, बट मैं आपको इसको तोड़ के ज़रूर दिखा दूँगी, ये देखें आप, ठीक है। ये बाइट भी ले लेती हूँ, वेलकम, बहुत मज़े का लग रहा है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। जितना ज़्यादा आप मैरिनेशन कर देंगे ना, इससे कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो ट्राई किएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे, और मेरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।